नमस्कार दोस्तों, समय हो चुका है ठीक शाम के 5:30, यानी समय 5:30 बज चुके हैं। और 5:30 बजे आप लोगों को पता है कि रिवीजन बैच में जीके जीएस का टाइम है। आज स्वास्थ्य ठीक है तो एक पूरी एनर्जी के साथ आज स्टैटिक जीके की क्लास 07 करने जा रहे हैं। एक बार सभी साथी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएगा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है, यस या नो प्रश्न, और साथ ही साथ दो टॉपिक आज करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लास 07 1000 स्टैटिक जीके के फैक्ट के अंदर मैं करवाने जा रहा हूँ। 1000 स्टैटिक जीके के फैक्ट के अंदर मैं पहला प्रश्न आपको ये करवाने जा रहा हूँ। उसके बाद हम करेंगे इम्पोर्टेंट डे भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ आज हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी रिवीजन करेंगे। चलेगा, एक बार सभी साथी जो है सेशन को शेयर करेंगे बहुत ही ठीक है। और आज सुबह जैसे कि आप लोगों को पता है कि सुबह 12 बजे से लेके अभी शाम 4:15 तक, यानी ठीक एक घंटे पहले तक मैंने लगभग 4.5 घंटे की माह मैराथन ली है आरजी स्टेट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर, जो कि 12 घंटे लगातार चल रही है। उसमें आपका भाई आपका दोस्त 4.5 घंटे की सेवा दे के आया है। तो सुबह 4.5 घंटे से आज मैं पढ़ा रहा था, अब कहाँ पर, यूट्यूब चैनल आरजी स्टेट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास के बाद आप उस क्लास में ज़रूर पहुँचेगा, जो कि आप पहुंच भी जाओगे, रिडायरेक्ट क्लास है, यानी क्लास के तुरंत बाद आपको वो क्लास मिलेगी। उस क्लास को जाके सभी साथी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हर एक यूपी का बच्चा जो यूपी की परीक्षा देना चाहता है, कि जैसा कि आपको पता है कि रैंकर्स गुरुकुल का काम जो है अपडेटेड और लेटेस्ट क्वेश्चंस करवाना है, तो अभी वीडियो की भर्ती, वीडियो का पेपर हुआ था, तो वीडियो में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो उत्तर प्रदेश SI, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पर मेरी क्लास चल रही थी, सुबह से क्लास वहाँ पर मेरी चली हुई थी। जिन बच्चों ने देखा बहुत बढ़िया, नहीं देखा उनका भी एक बार दिल से धन्यवाद, और जाके वो क्लास जरूर देखेगा। ओके चलेगा। 7 क्लास में से आपको सिंगल प्लेटफॉर्म को एक क्वेश्चन मिला है, आपके नाम में ही सिंगल है तो इसलिए आपके नसीब में एक ही क्वेश्चन मिला है सिंगल। ठीक है, इसको नाम को बदल लीजिए, कृपा यहीं से रुकी हुई है आपकी भी। देखा ना एक बाबा वो जो कहता था कृपा कहाँ से रुकी हुई है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं बहुत प्यारे तरीके से कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है निर्देश है कि राज्य मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी इसमें ग्राम पंचायत की बात की गई है, इसमें ग्राम पंचायत की बात की है मेरे भाई। अगर हम बात करें ग्राम पंचायत, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आज 11वीं अनुसूची में भी आपको दिखता है, और साथ ही साथ ये आर्टिकल में भी दिखता है, जिसका आर्टिकल है 243A से लेके 243O तक में, इस आर्टिकल के अंदर भी ये आपको दिखता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 39 को हम कह सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी है कि भाई मोनोपोली नहीं होना, जिसके अंदर लिखी है कि आपका जो है भौतिक संसाधनों का समान वितरण, यानी हम कह सकते हैं एक वेलफेयर स्टेट का आधारभूत संरचना, समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देना। 42 में अगर हम बात करें, 42 में जो है ये आपका मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है, मैटरनिटी रिलीफ की बात आर्टिकल 42 के अकॉर्डिंग की गई है। वहीं पर 40 की बात करें तो कुछ स्पेशल कंडीशंस में लाइक बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी में सुरक्षित नागरिकों के लिए कार्य एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल जो है आपका 41 कहलाता है, आर्टिकल 41 कहलाता है। चलेगा, कितने बच्चे हैं जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिवीजन करना चाहते हैं? अभी आज हमारे पास 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कितने बच्चे 40 के 40 विश्व विरासत स्थल का रिवीजन करना चाहते हैं? आपको मैं बता देता हूँ कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत स्पीड के साथ रिवीजन करेंगे। ठीक है, दो टॉपिक हम यहाँ पर करेंगे। यूनेस्को, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरे भाई, ये जो है इसकी एक विंग जो है ये क्या करवाती है, यूनेस्को मतलब यूएन की एक विंग है ये यूनेस्को, ये हेरिटेज साइट को क्या करता है, डिक्लेयर करता है। इंडिया में 40 है, अब एक एक को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ताजमहल। भाई ताजमहल की अगर हम बात करें, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है और ये 1983 में आपका यूनेस्को ने शामिल किया था, सबसे पहले इसे शामिल किया। उसके बाद अगर बात करें, मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था और ये यमुना नदी के किनारे हैं। अगर मैं बात करूँ, बस सुनते रहना और क्वेश्चन आंसर जो मैं पूछूं वो करते रहना। जैसे अगर मैं पूछूं कि दिल्ली किस नदी के किनारे है तो आपको बताना है यमुना नदी के किनारे। आपसे मैं पूछूं मथुरा किस नदी के किनारे है तो आपको बताना है यमुना नदी के किनारे। ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि आपका ताजमहल
किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। अगर आपसे मैं पूछूं लाल किला किस नदी के किनारे है, तो कमेंट सेक्शन में आप क्या आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ताजमहल आपको दिख रहा होगा, ताजमहल जो भाई प्यार वालों का नगीना है, और यहाँ पर बहुत सारे कपल्स लोग जाके जो है फोटो खिंचाते हैं, आपने देखा होगा। चलिएगा नेक्स्ट, एलोरा केव्स, आपकी एलोरा की गुफा की बात करते हैं। ये महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है मेरे भाई। अगर हम बात करें इसको भी 1983 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया, और इसका जो निर्माण किया वो राष्ट्रकूट के आपके किसने, राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। इसके अंदर 34 मठ और मंदिर है, कितने, 34 मठ एवं मंदिर है, ठीक है। अगर हम बात करें ये राष्ट्रकूट, ये आपको दिखता है, ये आपका एलोरा केव्स आपको यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद अजंता की गुफा, अजंता की गुफा भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मेरे भाई, ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ये 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई, ठीक है। इसे राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था, और ये चट्टानों को काटकर बनाई गई। इसमें प्रश्न आता है कि इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कितनी गुफाएं हैं, तो आपको बताना है 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, 29 गुफा यहाँ पर आपकी बताई गई है। यह अजंता की गुफा, यह अजंता की गुफा, हालांकि ये गलत, ये चैत्य है, ठीक है, जहाँ पर बौद्ध धर्म पूजा करते हैं, ये इमेज थोड़ा गलत जोड़ दिया। आगरा फोर्ट, देखो आगरा का किला अलग है और भारत का लाल किला अलग है, दोनों के बारे में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आगरा किले के बारे में, तो आगरा किला आपका आगरा में और लाल किला आपका दिल्ली में है, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में ये है, 1983 में ये भी शामिल किया गया था। और 16वीं सदी का मुगल स्मारक जिसे आगरा का लाल किला कहा जाता है, जहांगीर पैलेस शाहजहां द्वारा निर्मित, ये यहीं पर शाहजहां द्वारा निर्मित खास महल आगरा किले के अंदर ही है, ठीक है, चलेगा। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन बच्चा बताएगा कि आगरा किस चीज़ के लिए बड़ा फेमस है? अगर मैं आपसे पूछूं पीतल नगरी किसको कहा जाता है, और अगर आपसे मैं पूछूं कि ताला नगरी किसको कहा जाता है, तो दोनों का आंसर कितने बच्चे दे पाएंगे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मत आगरा का क्या फेमस है, आगरा का पेठा है, और पेड़ा कहाँ का फेमस है, पेठा, पेड़ा मथुरा का, ठीक है। और पीतल नगरी किसको कहते हैं, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। और अगर ताला नगरी पूछे तो अलीगढ़ को, तो फिर चमड़ा नगरी किसको कहते हैं? बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे, फिल्म थोड़ी जल्दी बैठ के देखना है बच्चे, कमेंट सेक्शन में स्पीड से आंसर चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो आपका काता चमड़ा नगरी किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं कानपुर को। अगर ऐसे मैं आपसे पूछूं महलों का शहर किसके कहते हैं, महलों का शहर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सन टेम्पल, सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क, ठीक है, चमड़ा नगरी कानपुर। और ऐसे आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाता है, क्या पूछा था मैंने आपसे, और नवाबों का शहर लखनऊ, महलों का शहर आपका, जो महलों का शहर कहा जाता है वो कलकत्ता को कहा जाता है, ठीक है, महलों का शहर कोलकाता। ये एक एक बात लिख लिया करो साथ ही साथ चलते चलते। सूर्य का मंदिर कहाँ पर, उड़ीसा में, 1984 में ये जो है शामिल किया गया था, और राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसे 13वीं सदी में बनवाया था। पूछा जाएगा कि सूर्य का मंदिर जो है ये किस सदी में बना था, ये 13वीं सदी में बनवाया था, ठीक है, और ये राजा नरसिंह प्रथम ने इसे बनाया था, ये आपका सूर्य मंदिर है। वहीं पर बात करेंगे, आगे बात करने से पहले कितनी बार मैं आपको बोलूँगा कि सेशन को लाइक एंड शेयर करो, तो उससे क्लास का मजा बिगड़ जाता है। जब तक मैं नहीं बोलता आप तक सेशन को लाइक एंड शेयर करना भूल जाते हैं। हर एक साथी सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे, मुझे लग रहा है आप लोगों को थ्योरी पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा। चलिए आपके एमसीक्यू कर लेते हैं, आप लोगों की डिमांड शायद थ्योरी की नहीं है, आप लोगों की डिमांड स्टैटिक जीके में क्वेश्चंस की है, ठीक है। अगर आपके थ्योरी की डिमांड होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से रंगमंच रूप माछ जुड़ा है, माछ, माछ कहां से जुड़ा है, माछ का संबंध, ठीक है, माछ, माछ का संबंध कहां से जुड़ा है, मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। जितने बच्चे थ्योरी चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि थ्योरी सर यूनेस्को 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 यूनेस्को, कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए। और साथ ही साथ सीधे सीधे 1K लाइक का टारगेट पार हो जाना चाहिए, हर एक बच्चा लाइक करेगा, ठीक है। तो बच्चों का आंसर मुझे सीधा सीधा एमपी मिल रहा है, और थ्योरी के बारे में बच्चों का कोई विचार नहीं है, तो जैसे मेजोरिटी कहेगी ऐसे होगा, ठीक है, नहीं विचार है तो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे थ्योरी, ठीक है, ओके। चलिए दिख रहा है, सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता, ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता, असम, झारखंड, मेघालय, इनमें से कोई नहीं, आप बताइएगा आपका पश्चिम बंगाल के साथ कोई कौन सा सीमा नहीं बनाता, ठीक है,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलेगा, राइट आंसर क्या होगा इसका? मेघालय इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए आप इंडियन ज्योग्राफी के सारे स्टेट आपको याद होने चाहिए, जो कि आप ज्योग्राफी गेम से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेशन को लाइक एंड शेयर भी करना है साथी के साथ। ठीक है, चलिए तो एक ही क्लिक करना है, सीधे हम अपना थ्योरी पे पहुंच जाते हैं। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। देखो, उम्मीद होती है जब एक टीचर पूरे कंटेंट पे मेहनत करके लाता है, सोचता है कि आज ये पढ़ाया जाएगा, तो जब वो रिसर्च करके लाता है, आइडिया लगाता है कि ये टॉपिक पढ़ा दो ताकि बच्चों के एग्जाम में उसका भला हो जाए, तो उसकी उम्मीद रहती है बच्चे उस थ्योरी को, सब्जेक्ट को वैल्यू दे, उस चीज़ को समझे। हाँ, तो वो सारी चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में है आपका ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। ठीक है, तो आपका महाबलीपुरम मंदिरों का समूह जो है, ये आपका कहाँ पर आता है? तमिलनाडु में। इसको 1984 में शामिल किया गया। इसको कब शामिल किया गया? 1984 में। यह समूह रथ, मंडप, विशाल खुली हवा, राहत आदि के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद हमने कितनी बताई आपको? 6 हो गई। 7 है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, असम राज्य में ये है और इसको 1985 में शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। सर, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसी चीज़ को शामिल कर देते हैं, क्या इसका कुछ फ़ायदा होता है? बिल्कुल फ़ायदा होता है मेरे भाई। इसका फ़ायदा ये होता है, ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो हमारे विश्व, जो हमारी विरासत में चीज़ें मिली हैं, उनका संरक्षण होता है, उन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। इसको 1985 में शामिल किया गया। काजीरंगा में अफ्रीका के अलावा दुनिया के कुछ उन स्थानों में से एक है जो बड़ी बिल्ली की कई प्रजातियों का जैसे घर है, तेंदुए, रॉयल बंगाल टाइगर, इन चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, वेबसाइट बता दीजिए सर। वेबसाइट, वेबसाइट किस किस बच्चे को जाननी है वेबसाइट? तो वेबसाइट है मेरे भाई ये। ठीक है, वेबसाइट आपको यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर आज कितने बच्चे जानते हैं वेबसाइट के बारे में? चलो बच्चे बता दो एक बार, बच्चे ज्योग्राफी की वेबसाइट कौन सी है? तो आपको लिखना है ऐसे, ज्योग्राफी गेम्स। आप ऐसे लिखोगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी गेम यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ के डैशबोर्ड में आपको जाना होगा। जैसे ही आप डैशबोर्ड में जाते हो तो आपको यहाँ पर दिखा होगा एशिया। एशिया में आपको यहाँ पर जाना है इंडिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इंडिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में जाना है तो आपको यहाँ पर सारे स्टेट भरने को मिल जाएंगे। मात्र 30 सेकंड में आप इसको भर सकते हो। जैसे कि असम ये रहा, ठीक है, आपका आंध्र प्रदेश ये रहा, ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका ये रहा, ठीक है, बिहार आपका ये रहा, लक्षद्वीप आपका ये रहा, छत्तीसगढ़ मेरे भाई आपका ये रहा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही साथ उत्तराखंड आपका ये हो गया, दिल्ली आपका ये रहा मेरे भाई, केरला की बात करें तो केरला आपका ये रहा, ठीक है, वहीं पर हम बात करें आपका तेलंगाना की तो आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना निकला, कर्नाटक की बात करें ये कर्नाटका है, राजस्थान की बात करें राजस्थान है, उत्तर प्रदेश की बात करें उत्तर प्रदेश है, मेघालय की बात करें मेघालय है, त्रिपुरा की बात करें ये त्रिपुरा है, मणिपुर की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम है, ये पश्चिम बंगाल है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका लद्दाख है, ये आपका पुडुचेरी है, चार जिले पुडुचेरी के हैं, अंडमान निकोबार मेरे भाई ये रहा, अरुणाचल प्रदेश ये रहा, साथ ही साथ अगर गोवा की बात करें ये गोवा, यानी खेलते खेलते आपको 29, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी याद। ठीक है, हाँ, नदियों के लिए भी गेम है इसमें, सारी चीज है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मिजोरम आपका ये रहा, ठीक है, पंजाब आपका ये रहा, गुजरात आपका ये रहा मेरे भाई, साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर ये रहा, हिमाचल प्रदेश आपका ये रहा, उड़ीसा की बात करेंगे उड़ीसा रहा, हरियाणा की बात करेंगे हरियाणा, तमिलनाडु की बात करेंगे तमिलनाडु ये रहा भाई आपका, सिक्किम की बात करेंगे सात बहनों का भाई ये रहा, नागालैंड ये रहा, और चंडीगढ़ आपका मेरे भाई ये रहा। ठीक है, दादर नगर हवेली दमन द्वीप ये रहा, और मुझे लगता है आपके लगभग सारे स्टेट हो चुके हैं, झारखंड के साथ सारे स्टेट आपके कंप्लीट हो गए, यानी 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरी। सर, ये गेम समझ में नहीं आता है क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते होगे, इसलिए समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका पीडीएफ नहीं मिलता बच्चे, ये एप्लीकेशंस यूट्यूब पर नहीं, ये गूगल पे है, गूगल पे है ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से प्ले अगेन करके, आप सारे स्टेट आप याद कर सकते हैं कौन कहाँ पर है। उसके अलावा मेरे भाई आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसी वेबसाइट में सारी चीज़ है। अगर आपको नदी पढ़नी है, देखो यहाँ पे जाइएगा, आप जो पढ़ना चाहते हो, ये रही रिवर, ये रही सी, ये रही आइलैंड, ये रही माउंटेन रेंज, स्ट्रेट, रीजन, लेक, आर्किपेलागो, आपकी सिटीज, माउंटेन रेंज, डेजर्ट, लेकिन पता सबको है। ठीक है, करना थोड़ी है,
ये कौन नहीं जानता। देखो मैं आज आपको एक जीवन की सबसे अच्छी बात बताता हूँ। किसी ने एक बच्चे से ने मुझसे पूछा था कि सर व्यक्ति और महान व्यक्ति में क्या अंतर होता है, तो मैंने उसको एग्जाम्पल दिया था कि व्यक्ति और महान व्यक्ति में क्या अंतर होता है। अगर आपसे आपसे मैं पूछूं कि मुझे SSC कैसे करना है, आप इतनी बेहतरीन स्ट्रेटजी बता सकते हो मुझे कि अगर मैंने वो फॉलो करी तो ऑल इंडिया रैंक वन आ सकता है। आपको पता है कि कैसे सिलेक्शन लेते हैं, सब जानते हो आप, बस नादान बने रहते हो सर मुझे बता दो मुझे। आप सब जानते हो कौन सी किताब पढ़नी है, कितना टाइम पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस पर विश्वास करना है, आप जानते हो लेकिन उस चीज़ को आप फॉलो नहीं कर पाते। तो व्यक्ति और महान व्यक्ति में क्या अंतर है, जो चीज़ जानता है और जो उस जानते हुए उस चीज को फॉलो कर लेता है, जो फॉलो कर लेता है वो महान व्यक्ति वरना व्यक्ति। तो इसका मतलब आप जानते तो इस वेबसाइट को हजारों बार बता चुका हूं आपको, लेकिन आप इसको फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, आप इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते हो। बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी बात को आप जवाब दो, मैं गलत कह ही नहीं रहा क्योंकि, ठीक है। उसके बाद हमने कितने कर लिए थे, हमने पढ़ लिए थे आपके 6-7 तक पढ़ लिए थे। अगला हमारा है, अगर हम बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क था। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर आता है, असम में आता है। ये मेरे भाई यहाँ पर यूनिकॉर्न राइनो, ये आपके जैसा दिख रहा है क्या किसी को, ठीक है, लव यू टू बच्चे, ये दिख रहा है आपको, हाँ भाई बड़ा क्यूट सा है, बहुत अच्छा बच्चा आपने ही है ये, ठीक है ठीक है। चलिएगा केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है, राजस्थान में है। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये राजस्थान में, ये पूछा भी गया है, ये 1985 केवलादेव आपका यहाँ पर आपका बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आपका, अगर हम आगे बढ़े तो ये है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है भाई मानस लाइफ वर्ल्ड, किस एंगल से क्यूट है, आ जाओ इसका एक सींग है वो बताएगा ये क्यूट है या नहीं है, ठीक है ठीक। अरे भाई ये शब्द मत बोल, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, ये असम राज्य में, यह साइड बाघ, एक सिंह वाले गैंडे, दलदली हिरण, पिगमी होग, आपका फ्लोग पेरेपिगन, ये सभी एरिया यहाँ पर में इसमें पाई जाती है चीज़ें। लेकिन ठीक है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, खजुराहो के मंदिरों का समूह, खजुराहो के मंदिर का समूह अगर हम बात करें तो ये मेरे भाई मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के मैंने अनेकों नाम आपको बताए हैं, ठीक है ठीक, मध्य प्रदेश के मैंने अनेकों नाम आपको बताए हैं, दालों का प्रदेश, मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश, ये सारे नाम मध्य प्रदेश के हैं, भारत का हृदय, ठीक है। ठीक है यार, ये अब फिर नज़र लगाएंगे मुझे, बीमार गिरवाएंगे बच्चे। एक बच्चा कह रहा है, एक बाहर बैठा हुआ कह रहा है, सर इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो, 4 घंटे वहाँ पढ़ा लिया, अब 1 घंटा यहाँ, अब एप्लीकेशन पे भी 9 बजे क्लास लोगे, ठीक है। आधे बच्चे परेशान हैं, सर हम क्लास ले ही नहीं पा रहे हैं आप, ठीक है। एक कह रहा है कि मोटे हो गए आप, क्या चाहते हो इस नादान से बच्चे को नज़र लगाओगे आप, टच एंड वुड, लकड़ी है ना भाई, हाँ टच एंड वुड, नज़र ना लगे, हालांकि ऐसे बाबा श्याम की कृपा है कुछ नहीं होगा। लेकिन एक अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं क्लास लेके निकला, एक मैडम ने कह दिया कि सर कितनी एनर्जी आप में, 7 दिन 8 दिन हॉस्पिटल में मिला मैं, ठीक है। हाँ तो भाई ये ऐसा काम मत करो, ठीक है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की बात करें मध्य प्रदेश में, ये चंदेल वंश के द्वारा अब इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, हम्पी के स्मारक समूह की बात करें, ठीक है, आर विशाल सही पकड़े हो तुम, बिल्कुल। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, हम्पी के स्मारकों का समूह कर्नाटका में है, जो कि 1986 में, 1986 में ये, ठीक है, 1986 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया।
ठीक है, अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में ये आपका, अगर फतेहपुर सीकरी की मैं बात करता हूँ तो 1986 में इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। दोस्तों याद रखना है आपको, इसके इस पॉइंट पढ़िएगा ध्यान से, यहीं पर एक बुलंद दरवाज़ा भी है, इसे मुगल बादशाह ने बनवाया था, इसे 10 वर्षों की राजधानी मुगलों की रही थी। और जब अकबर ने गुजरात जीत के आया था, तो अकबर जब गुजरात जीत के वापस आए थे तो यहाँ पर उस खुशी में उन्होंने क्या बनवाया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण कब किया गया या बुलंद दरवाजे का निर्माण कहां पर किया गया, तो क्या बताओगे, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है गौरव, पुतिन और मोदी जी भी क्लास ले रहे हैं, भाई हमारी क्लास है, मोदी जी को भी लेनी पड़ेगी, पुतिन साहब तो आते ही हैं सुबह शाम क्लास में। ओके, और जो है एक दिन तो क्लास में हनुमान जी भी आए थे, राम और सीता लक्ष्मण सब आते रहते हैं, तो मतलब ठीक है चलते रहता है। ठीक है, ये फतेहपुर सीकरी है। चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, गोवा की बात करें, गोवा की राजधानी क्या भाई, गोवा की राजधानी पणजी, और ये आपका किस नदी के किनारे है, ये आपका मांडवी नदी के किनारे। साथ ही साथ याद रखना है गोवा में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है जो कि बसंत ऋतु में होता है, क्या नाम है उसका, सिग्मो फेस्टिवल। क्या होता है, सिग्मो फेस्टिवल, ये लिखना है जो जो मैं सुना रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको याद करवा रहा हूँ, ऐसे रिविजन नहीं होता, रिविजन ऐसे होता है क्लास वैसे। ठीक है, हाँ, सर आपका कंटेंट अच्छा इसलिए आते हैं, कुछ भी मान लो, ऊपर वाले की कृपा मान लो, कंटेंट मान लो, या इनका प्यार मान लो। ठीक है, हालांकि पुतिन साहब नहीं दिख रहे मुझे, मोदी जी तो दिख गए। ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया, रावण भी आया था सर एक दिन, सीता को लेके आ गया फिर रावण, भाई उसने आदि पुरुष किसने बनाया, इस डायरेक्टर का नाम क्या है जिसने आदि पुरुष बनाई, शर्म नहीं आई इस भाई साहब को, कुछ भी कर रहा है ये, हनुमान की हालत खराब कर दी इस भाई साहब ने, इसके सपने में और ऐसी बातें कर रहा है, ऐसे हनुमान जी कौन बना के ये उम्मीद रखते कि हनुमान जी मूवी देखने आएंगे, मतलब इतने घटिया रोल दे के, ऐसे ऐसे घटिया डायलॉग दे के कह रहे हनुमान जी मूवी देखने आएंगे, फिर कह रहा मेरे तो मुंह से निकल गई, अब क्या ही बोलूँ इस आदमी को। ठीक है चलेंगे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट आपका पटक्कल की बात करें, कर्नाटका में है और स्मारक चालुक्य कला का प्रतिनिधित्व करते हैं, हिंदू मंदिर जैन अभ्यारण्य इसका एक हिस्सा है। ठीक है चलिएगा मेरे भाई, चलिएगा ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, चोला साम्राज्यों का महान मंदिर की बात करें तो ये मेरे भाई तमिलनाडु में है, 1987 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने एक्स्ट्रा लिखा है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, जो यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं वो आपका ईयर पूछे जाने वाला है, आपका स्टेट पूछे जाने वाला है। इसमें तंजावर में वृद्धेश्वर मंदिर, आपका गंगाई कोड़ा चिलेश्वरम वृद्धेश्वर मंदिर, दाराशुरम मंदिर, एरताश्वर मंदिर, ये सभी इसी में शामिल है, ग्रेट लिविंग चोलाज टेम्पल में ये शामिल है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एलिफेंटा गुफा, आपके एलिफेंटा गुफा की बात करें, ये भी मेरे भाई महाराष्ट्र में, लेकिन यहाँ पर देखो एलिफेंटा गुफा को स्थानीय नाम धारपुरी गुफाएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धारपुरी गुफाएं बोलते हैं। 7 गुफाएं हैं इसके अंदर, ये देखिएगा ये 7 गुफाएं इसके अंदर है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये इमेजेस लगा के आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन एक हम छोटा सा टारगेट आप लोगों को दे रहे हैं कि सेशन पे 1K लाइक हो जाने चाहिए, जो कि आप लोग बिल्कुल भी सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो, सेशन को आप शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, इसमें मुझे लगता है लठ बजाना पड़ेगा, प्यार से तो आप मानोगे नहीं। ठीक है ओके 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 ओके, चाह तुझको, ठीक है भाई, विक्रांत जायसवाल मैथ की क्लास है कोई ले तो पासवर्ड बता दो। बच्चे क्यों पासवर्ड लेना, यूट्यूब से पढ़ ले, यूट्यूब पे आदित्य सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्यों टेंशन ले रहे इतने। ठीक है चलो, अब गुफाओं के पास आ गए हैं,
चलिए, पीडीएफ कैसे मिलेगी? पीडीएफ के लिए तो भाई आपको बहुत यज्ञ और तप करने होंगे, कम से कम 16 सोमवार के व्रत रखने होंगे, तब जाके कहीं पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, किस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो आप? रैंकर्स गुरुकुल पर। और रैंकर्स गुरुकुल का प्लेटफॉर्म है तो टेलीग्राम का नाम क्या होगा? रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। इसके लिए ना 16 सोमवार रखने आपको बिल्कुल भी, ना इसके लिए रावण का व्रत रखना है, ना आपको इसके लिए कुंभकर्ण की पूजा करनी है, कुछ नहीं करना भाई। टेलीग्राम पे ज्वाइन क्या करना बोलो? रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है भाई ये, समझ गए? ओके, हाँ, कहीं जप तप नहीं करने। सुंदरवन नेशनल पार्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट लार्जेस्ट डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा, जिसमें आपसे देखो, इसमें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से वर्ड सुनना, वर्ड ध्यान से सुनना, गंगा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम का योगदान होता है। स्पेशल रिवर की बात करें तो रिवर मेरे भाई ध्यान से सुनना, रिवर इसमें है गंगा, ब्रह्मपुत्रा और यमुना। पिछली बार एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, फिर से आएगा, तो चीज़ों को समझो, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क, यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और ये फर्नीचर के लिए बड़ी फेमस लकड़ी होती है वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंदा देवी एंड फ्लावर वैली नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और जिसने अभी तक क्लास 07 की पिछली सारी सीरीज की पीडीएफ क्लासेस नहीं देखी है वो ज़रूर देखे। दूसरी बात मेरे भाई ध्यान से सुनना, कल और परसों लाइव क्लास नहीं मिली तो टेंशन मत लेना, यूट्यूब चैनल पे आ जाना। यूट्यूब चैनल पे आके आप देखोगे तो आपको क्लास मिलेगी अपलोड हुई, यानी दो रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करूँगा, एक कल और एक परसों। यानी अगर मैं कल या परसों नहीं पढ़ाता हूँ तो उनकी क्लास में रिकॉर्ड करके जाऊँगा, लेकिन आपको क्लास मिलेगी, समझ गए मेरी बात? क्यों नहीं पढ़ा पाऊँगा हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कल एकादशी है और एकादशी में मेरा व्रत रहता है और मैं खाटू श्याम जाता हूँ, तो इसलिए मेरी क्लास नहीं हो पाएगी कल और परसों। तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर, प्रीमियर चलेगा, लाइव चलेगा, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है, हाँ चलेगा। उत्तराखंड की बात करें, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ये 1988 में इसमें शामिल किया गया था, ठीक है, वेरी गुड। साथ ही साथ अगर हम बात करें बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची, सांची के स्तूप की बात करें, सांची, शिवम गुप्ता, कान पे थप्पड़ मार दो बच्चे इसके, एक बार मैं दूर हूँ आप लोग इसके पास, उसके कान पे थप्पड़ मार दो जो लगे इसके ढंग से, शिवम गुप्ता के बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश सांची का स्तूप, ठीक है, हाँ ठीक है। आपकी बात करें मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश 1989 में ये सांची का स्तूप अशोक ने इसका निर्माण करवाया था और ये मध्य प्रदेश में है और इसको 1989 में शामिल किया गया, 1989 में शामिल किया गया, जा मुन्ना जा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सांची का स्तूप देख रहे हैं, सांची का स्तूप, आगे बढ़े। कुतुब मीनार की बात करें, कुतुब मीनार कहाँ पर है भाई मेरे भाई? दिल्ली में। एक बार पता, एक बार की मैं बात बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, एक बच्चे को जो है, एक बच्चा आपस में मतलब किसी टीचर ऐसे गाली देता हुआ सुना किसी ने टीचर ने, तो उसने कहा भाई वाह तेरे पापा तो ऐसे हैं। उसने कहा सर आपको कैसे पता मेरे पापा ऐसे हैं? कि तेरे व्यवहार से पता चल गया तेरे पापा कैसे हैं। कि सर ऐसा कैसे पता चलता है? कि आपके संस्कार बता देते हैं आपकी फैमिली कैसे हैं, ठीक है, ठीक है, आपके संस्कार बता देते हैं आपकी फैमिली कैसी है। कुतुब मीनार की बात करें तो मेरे भाई कुतुब मीनार ये 13वीं सदी में निर्माण हुआ था, ये भारत का सबसे ऊंचा टावर है, भारत का सबसे ऊंचा टावर है ये कुतुब मीनार। इसकी पहली 3 मंजिल रेड कलर की है और बाकी 2 मंजिल इसकी किस कलर की है? व्हाइट कलर की है। ये इसका निर्माण, ठीक है,
ठीक है, इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन जो किसके नाम पर रखती थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसका जो कंप्लीट किया था वो इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन ये जो चौथी और पांचवी मंजिल आपको दिख रही है वाइट कलर की, इसको बनाया था जब बिजली गिर गई थी फिरोज शाह तुगलक साहब ने। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक साहब ने। ठीक है, चलेगा। तो एक बार लाइक एंड शेयर करिएगा सभी साथ, एक बार फिर से लाइक एंड शेयर सेशन को, हर एक साथी सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे, हर एक साथी सेशन को शेयर करेंगे। गुप्ता जी आप भी सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे, चलेगा। बहुत सुंदर, लवी तोमर वेरी गुड, बहुत सुंदर। 1K लाइक, हर एक बच्चा सेशन को कॉमेंट सेक्शन में भी एक बार तूफानी चला दो, लाइक शेयर लाइक शेयर लाइक शेयर कॉमेंट सेक्शन में चलना चाहिए। ठीक है, चलिएगा। ये हमारा हुमायूं टॉम्ब है। हुमायूं टॉम्ब की बात करें, इसे 1570 में बनाया गया था। ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है। ठीक है, उद्यान मकबरा है। और ये मेरे भाई देखेगा, अगर इसमें पिलर लग जाते और वाइट कलर का हो जाता तो ये सेम आपको दिखता किसके जैसा। ये देखो पेड़ हिल रहा है। ठीक है, ये सेम किसके जैसा दिखता आपको? ये दिखता मेरे भाई आपको ताजमहल के जैसा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। ठीक है, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। टैली भाई डे फाइव की ना पीडीएफ, एक्चुअली में ऐसा हुआ उस दिन, वो डे फाइव 15 तारीख को लगभग हुई थी, जिस दिन हमारे मुखर्जी नगर वाला आग वाला सीन हुआ। तो उस दिन क्या हुआ, क्लास पढ़ाने के बाद जैसे पीडीएफ अपलोड करने वाले थे ना, तो लाइट की वजह से शायद वो पीडीएफ डिलीट हो गई थी। वो फाइव एक ही पीडीएफ बची हुई है, तो वही लाइट की वजह से वो सेव नहीं हो पाई थी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ देते हैं, चलेगा। ओके, अब बताओ, इसने जो है पैसे तो लिए लड़के ने कमेंट करने के, लेकिन इसे नहीं पता कि हमारा प्रीमियम कोर्स आता ही नहीं, कोई अधूरी जानकारी लेके कमेंट करने आ गया। अगर ये बच्चा हमारा कोर्स लेता तो इसे पता होता कि हमारा स्पेशल आता है, हमारा कॉम्बो आता है, हमारा कोई प्रीमियम कोर्स आता ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो भैया पेमेंट बढ़वा लो एक तो अपना कमेंट करने का ना। हमारे यहाँ पे ना प्रीमियम बैच नहीं आता, हमारे यहाँ पर आता है कॉम्बो बैच। ठीक है, हमारे यहाँ पर कैसा बैच आता है? कॉम्बो, या फिर हमारे यहाँ आता है स्पेशल, जीएस स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल। ठीक है, हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। वैसे मैंने सुना था डिबेट के समय पे कि कमेंट जो है 60 पैसे 40 पैसे में होती है, तो शायद इस भाई को रेट मुझे लगता है 12 पैसे का मिला है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। महाबोधि टेम्पल की बात करें, महाबोधि टेम्पल में मैं गया भी हूँ, बिहार के गया ज़िले में पड़ता है। ठीक है, बिहार के गया ज़िले में आता है ये, और यहाँ पर गौतम बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण का मतलब होता है उनकी समस्त इच्छाओं को त्याग देना, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाना, यानी निर्वाण का मतलब होता है कि आपको दीन दुनिया की ज्ञान पता हो गया। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर बुद्ध के जीवन के जुड़े 4 पवित्र स्थलों में से एक है, वो पहला स्थल मतलब उस घटना, यानी यहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए, और अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया था मेरे भाई, और वहीं पर शुकर माधव खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलेगा, जिसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। ये पूरा सोने का है ऊपर वाला हिस्सा, बहुत हैवी सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा हैवी सिक्योरिटी है। इधर से एंट्री मिलती है और इधर से एग्जिट होता है। ठीक है, सीआईएसएफ बड़ी खतरनाक लेवल पे यहाँ पर रहती है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा अगर हम बात करें, भीमबेटका की गुफा, ये मध्य आपका, हाँ मध्य प्रदेश में, और इनका संबंध है मेरे भाई आपका किससे, इनका संबंध है प्री हिस्ट्री से, प्रागैतिहासिक काल से। किससे संबंध है? प्रागैतिहासिक काल से। किससे संबंध है? प्रागैतिहासिक काल से। और ये 2000 जो है 2003 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। अभी हमने कितनी पढ़ ली? 24। कितनी बची? 40, यानी कि 40 में से 24 16 बची। चलिए 25 पे आ जाते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में 2004 में इसको ऐड किया गया। यहीं पर बात करें महाराज आपका जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। यहीं पर बात करें चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, ये गुजरात में है, इनको 2004 में शामिल किया गया। उसके बाद ये आपका चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क है, ओके। रेड फोर्ट दिल्ली का लाल किला,
दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से ही हर साल 15 अगस्त को जो है यहाँ से झंडा फहराया जाता है। और इसको सन 2007 में, कितने में, सन 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। सन 2007 में आपका विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया है। भाई साहब यहाँ पर स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक मैं ऐसे थ्योरी वाले आपको कराऊंगा, जैसे इंपोर्टेंट डे हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, इन सब की कीमत समझिएगा, वरना अगर एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया और आप गलत करके आए तो लाखों बच्चों से ऊपर नीचे का मामला हो जाएगा। इसीलिए इस कंटेंट की आप एक एक चीज ध्यान रखना। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी रैंकर्स गुरुकुल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। हाँ वेरी गुड, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जंतर मंतर स्पीड से जो चीज, जैसे जंतर मंतर याद करने की ट्रिक बताऊं, याद करने की ट्रिक, जैसे जंतर मंतर आया सन 2010 राजस्थान वाला, तो आप कमेंट में लिख दो फटाफट जंतर मंतर राजस्थान 2010, जंतर मंतर राजस्थान 2010, ठीक है। हाँ ओके, इसके बाद वेस्टर्न घाट की बात करेंगे, वेस्टर्न घाट की बात करेंगे। वेस्टर्न घाट जो है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र वाला एरिया है, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बड़ा फेमस है। और अगर हम बात करें, ये वेस्टर्न घाट इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, पहली है आपका ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में मेरे भाई जो है आपका नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक है, जिसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। वहीं मेरे भाई वेस्टर्न घाट की लंबाई है 1600 किलोमीटर, जो आपका तापी, माउथ ऑफ तापी रिवर, फ्रॉम माउथ ऑफ तापी रिवर टू कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, यानी आपके तापी नदी के मुहाने से लेके आपका कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबी वेस्टर्न घाट है। यहीं पर ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के बहुत सारी पहाड़ियाँ लाइक चित्तौड़गढ़ का किला, कुल्लभगढ़ का किला, स्वाई माधोपुर किला, झालावाड़ का किला, जयपुर किला, जैसलमेर किला, इन सभी पहाड़ी किले को इसमें हिस्सा किया, इन हिस्से को शामिल किया गया हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान। और ये शामिल किया गया है आपका राजस्थान वाला हिस्सा 2013 में, ठीक है, 2013 में। ये हमारा राजस्थान वाला एरिया। रानी की वाव, रानी की वाव किस नोट पर इसका डायग्राम दिखाया गया है, रानी की वाव का डायग्राम किस नोट पर दिखाया गया है। ये कितने बच्चे हैं जो ऐसे फिल्मों की तरह देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं है तो कमेंट सेक्शन में इसका जो मैं प्रश्न पूछता हूँ वो फटाफट आंसर बताइएगा, ठीक है। टाटा नमक, आपस में बात कर रहे, क्लास में क्यों बैठे हो, एक दूसरे को इंस्टाग्राम की आईडी बता लो, इंस्टाग्राम पे बात कर लो, टेलीग्राम पे जुड़े हैं सभी, टेलीग्राम से आपस में बात कर लो, क्यों बिना हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, डेटा ज़्यादा लगता है यूट्यूब पर बात करने में। जो यूट्यूब पर बात करते हैं थोड़ा बहुत आपकी मैं आपकी बुद्धि को विकसित कर देता हूँ, यूट्यूब पर बात करते हो तो डेटा ज़्यादा खर्च होता है, आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा बात कर सकते हो, किंडर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, या आप जो फेसबुक पे बात कर सकते हो, टेलीग्राम पे दुनिया भर की व्यवस्था है, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, ठीक है। और यहाँ तो पता ही नहीं कि सामने वाला जो है रोहित है या कौन सिस्टम है, ठीक है ठीक है। हाँ वाईफाई फ्री हो सकता है आपके लिए, मुझे पता है वाईफाई फ्री है, लेकिन ये वक्त दोबारा थोड़ी आएगा मेरे बच्चे, ठीक है। वाईफाई इस दुनिया में ना, इस दुनिया में हर कुछ बट जाना है। मान लो हमने अपनी, जब मेरे पापा ने जायदाद खरीदी है, बट जाएगी, भाइयों के बीच में बट जाती है, परिवार में बट जाता ना सब कुछ बाद में, ठीक है। हालांकि हमारा दो पीढ़ी से चल रहा है और आगे भी चलता रहे श्याम बाबा की कृपा से, सभी का चले, हर चीज़ बढ़ जाती है, लेकिन एक चीज़ का कभी बंटवारा नहीं होता, वो ज्ञान, वो है पढ़ाई, वो है आपका, आपकी खुद की नौकरी, खुद की नौकरी का बंटवारा नहीं कर सकता कोई, समझ गए। तो टाइम फ्री में नहीं काम कर रहे, क्यों टेंशन ले रहे हो, यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो टाइम अपना। ये गुजरात रानी की वाव 2014 में शामिल किया गया, जो कि जो है 2014 की उस पर 2014 कह रहा 2014 में शामिल किया, जो कि 100 के नोट पर व्यवस्था है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है मेरे भाई। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार, इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, कल का एग्जाम उठा के देख लो, वीडियो एग्जाम में सेम प्रश्न पूछा है कि कौन सा विश्वविद्यालय आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, अभी जाके अभी प्रश्न करवा के आया हूँ यूपी में, तो आपको बताना है नालंदा यूनिवर्सिटी, ये नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि। कंचनजंगा नेशनल पार्क पूछा गया है, कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है किस रेंज पे है, ये ग्रेट हिमालय पे है,
सिक्किम राज्य में सन 2016 में इसे शामिल किया गया था। वहीं पे बात करेंगे मेरे भाई द आर आपका आर्किटेक्चर वर्क लीक रूपशर, इसके बारे में याद रखना है। ये चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ लाइक जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा पैटर्न था ना, जो कि हमारा ग्रिड पैटर्न पर बना था, तो ये वाला पैटर्न यहाँ पर, ये भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है, ठीक है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद जो है 2017 में साइट शामिल किया गया और ये गुजरात का पार्ट है, ठीक है। विक्टोरियन एंड आर्ट डिको इंसेंबल की बात करें, महाराष्ट्र में 2018 में शामिल किया गया। वहीं पर मेरे भाई जयपुर सिटी की बात करें, जयपुर पिंक सिटी के नाम से जिसको जाना जाता है, ये 2020 में ऐड किया गया है। कब किया गया? 2020 में, ठीक है। और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये 2021 में लेटेस्ट किए गए। एक तो ये और एक लास्ट का आपका धोलावीरा, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए फेमस है आपका ये धोलावीरा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे फेमस साइट है धोलावीरा ये, जो कि बेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए। मात्र 40 मिनट में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मैंने रिवीजन यहाँ पर आपको करवा दिया, ठीक है। ये आपको पीडीएफ मिलेगी, आप इसका फिर से रिवीजन करना। चलिएगा अब आ जाते हैं कुछ अपने प्रश्नों पर, नेक्स्ट इस प्रश्न का आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों में जास्कर किसकी सहायक नदी है? जास्कर किसकी सहायक नदी है? जास्कर किसकी सहायक नदी है? ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ? सिंधु। सिंधु की सहायक नदी आपका, हम बात करें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, ठीक है। कुछ स्पेशल क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके करेंगे, जैसे कि आपका देश आप इन इंडिया द आपका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री, यानी भारत में देश के विदेशी मुद्रा भंडारण का अभिरक्षक कौन है? भारत में देश के विदेशी मुद्रा भंडारण का अभिरक्षक कौन है? इन इंडिया द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री, तो कौन है मेरे भाई? वो है आपका कौन? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। कौन है? आरबीआई, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और आपसे हम पूछेंगे, बहुत प्यारा सा प्रश्न और बहुत आसान सा, ये भी प्रश्न वीडियो एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैंने बार बार कहा जिस प्रश्न को मैं कहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, अगर ये प्रश्न आप सही कर रहे हैं इसका मतलब आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। कितने बच्चे इसका सही आंसर करेंगे देखते हैं, चलिएगा बहुत शानदार तरीके से। ओके चलिएगा, आपकी क्लास के लिए 2 GB कुर्बान है सर। मेरी क्लास के लिए नहीं बच्चे, अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए 2 GB कुर्बान करो, ठीक है। मेरे लिए और उसके लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है जीवन में जो भी करना है, ठीक है। फिर सब आपके लिए करेंगे, ठीक है। पता है ये भी एक सिलेक्शन, ये भी एक कामयाबी का हिस्सा है। आप दूसरों के लिए करते हो तो आपके लिए दुनिया कभी नहीं कर पाती। आप अपने लिए जियो, दुनिया तुम्हारे लिए जिएगी। पता है कैसे? आप दुनिया, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, तेरे लिए ये कुर्बान, तेरे लिए दोस्त ही नहीं पूछेगा कुछ दिन बाद। आप खुद के लिए मेहनत करो और इतनी मेहनत करो पता है कि दोस्त को भी भूल जाओ कुछ दिन के लिए, दोस्त खुद मैसेज करेगा। ये प्रूफ है लाइफ का। जिनके लिए हम अरे मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई भाव नहीं देते थे, आज वो पीछे पड़े रहते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, खुद के लिए खर्च करो और इतिहास गवाह है, एक नहीं करोड़ों साक्ष्य है, जिसने खुद पे खर्च किया ना उसी को लोगों ने गूगल पे सर्च किया, मैं हूँ या आप कोई हो। खुद को मेहनत में इतना झोंक दो, कोई गाली देना, अपने लाइव एग्जांपल देखा भी हो गया ना, चुप, इग्नोर करो, इग्नोर और अपनी मेहनत करो। ये दुनिया ऊपर वाला शायद ये टेस्ट लेता है, परीक्षा लेता है, जब आप आगे बढ़ते हो तो दुनिया आपको टोकती है, रोकती है, लेकिन दोस्ती, यारी, यार प्यार, रिश्तेदार, त्योहार सब त्याग दो। यार प्यार रिश्तेदार त्योहार सब त्याग दो अगर जीवन में कामयाब होना है तो। क्या क्या? यार प्यार रिश्तेदार और त्योहार त्याग दो और खुद के लिए इतना खर्च कर दो कि कल के दिन लोग गूगल पे आपको सर्च करें कि भाई 2024 का टॉपर ये नाम आया भाई प्रिंस कुमार सिंह, 2025 का टॉपर रजत सैनी नाम आया है, 2000 ये टॉपर, ठीक है। अब देखेंगे भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा शैक्षणिक संस्थानों की, अगर मेरे भाई इसके आंसर की बात करें ना, जो 28 कर रहा है वो बिल्कुल नालायक है, 27 कर रहा है महानालायक है, 29 और 30 वाले को मैं एक बार को छोड़ देता,
ठीक है, क्योंकि माइनॉरिटी एजुकेशन एंड कल्चर राइट, यानी अगर हम बात करें अल्पसंख्यकों के, किसकी बात करें, अल्पसंख्यकों के, माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार की बात करें तो वो मेरे भाई ध्यान से सुनना, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार 29 और 30 में है। 29 क्या कहता है और 30 क्या कहता है, 29 कहता है और 30, 29 कहता है कि आप अपना स्क्रिप्ट, ठीक है, लैंग्वेज और कल्चर का प्रोटेक्शन करो। 30 कहता है अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ओपन करो, चाबी ले लो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ओपन करो और उसका मैनेजमेंट करो। राइट आंसर मेरे भाई कितना हुआ, 30 इसका राइट आंसर हुआ, 30 इसका राइट आंसर हुआ। आज के लिए इतनी क्लास रहेगी, ठीक है, 45 मिनट की क्लास रहेगी, आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है, कुछ अर्जेंट काम है, लेकिन क्लास इसलिए नहीं छोड़ी मैंने कि भाई बच्चे नाराज़ होंगे, गुस्सा करेंगे, क्लास आपको बरकरार मिलती रहेगी, पीछे जो तबीयत खराब होने की वजह से क्लास नहीं हुई उसके लिए क्षमा याचना, ठीक है, चलेगा, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सभी को राम राम, जय श्री श्याम, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपना परिवार बढ़ाते रहिए, सभी दोस्तों को एक बेहतरीन कंटेंट के लिए जोड़ने के लिए कहते रहिए, और टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा पीडीएफ के लिए, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, राम राम, खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, थैंक यू सो मच।